आज आप सभी का वेलकम मेरे चैनल साथी बनेंगे ब्लॉग्स में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज दिन में, आज हो रही है जनवरी 4 तारीख। और काफ़ी दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे ब्लॉग आ भी नहीं रहे थे क्योंकि साथी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अब थोड़ा ठीक है। तो आज से मैं ब्लॉग फिर से रीस्टार्ट करूँगी। तो आज है हमारे यहाँ त्यार और आज है हमारे यहाँ छोटा त्यार और कल होगी हमारे यहाँ मेला गाटी बगल में। तो कल रात में सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होंगे। ये देखो अब सात्विक से मिलो, अब सात्विक ठीक हो गया है ना, अब सात्विक को बुखार नहीं आ रहा है ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मीना रोंग के यहाँ दूध पीने के लिए। अब मुझे आज गाटी वगैरह आए हुए हो गए हैं 3 दिन। अभी मैंने मशीन में कपड़ा धोने के लिए लगा रखा था तो अभी मैं ट्रेन कर रही हूँ तैयारी शुरू। पकौड़े के लिए आलू कटने शुरू हो गए क्योंकि आज है त्यार। पीठा लगाने आना त्यार, पीठा लगाने मकर संक्रांति, मकर संक्रांति बताइए क्या। मुझे मैं आ गई अभी मीना लोगों के घर में दोबारे क्योंकि अभी बनाना है पूड़ी। तिसा आई थी बहुत पहले बुलाने के लिए, मैं आई नहीं। छमे बना रही होगी अकेले अकेले। छमे और मीना बना रहे पूड़ी, आग जला लिया है, कचारी कचार भी कर रखा है। पूड़ी के रूह जूस बना रहा, जूस बॉडी भी बन गई। देख रहे हैं टीवी और सात्विक तो सो गया है, थोड़ी देर में ठोमो करते हैं, पापा मम्मी लोग आते फिर। कल फिर ड्रामा है यहाँ, डांस प्रोग्राम होगा बच्चों का। कल से मतलब गाटी बगल में मेला शुरू हो जाएगा। फल कट रहे हैं, ठोमो की तैयारी हो रही है। तिसा का मूड खराब है, सो के उठ गया। साथ में मुंह बंद करो, जो काम करता है उसको करने दो। हम लोग भी तो देर ही जाते थे वाले दिन। अभी तिसा रिहर्सल में जाने वाली है। ठोम वाले में डालना है शर्जे, अभी इसको ठोम करेंगे। ये सात्विक का है ना, क्यों उठा है ना, इसलिए ज्यादा नखरे कर रहा है। तू लड्डू दिखा दो सात्विक, इसको बता दे। तिसा आ गई है टीका लगाने। सभी का वेलकम मेरे चैनल साथी बनेंगे आप ब्लॉग्स में। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है गाटी बगल से। और आज है हमारे यहाँ त्यार, गुगुती त्यार। तो आज होगा फील्ड में मेला और प्रोग्राम भी होंगे। तो अभी हम लोग अब पूड़ी उड़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं और तिसा आ गई है टीका लगाने के लिए। इसके बाद हम थोमो करेंगे जब पूड़ी बन जाए। टीका लगाना मुंडा ऊपर है, ऊपर पुन कर आता को पुन कर आता तो भूल गई। ओ ठोमो की तैयारी और सात्विक भी यहाँ तैयारी कर रहे। सात्विक अपने लिए फ्रूट्स पकड़ रहा है। यो सब यो का यो सात्विक को बुद्धि भी देना, ललता भी देना। हेलो हां कठो सात्विक को बुद्धि और ललता दोनों देना। शुरू नहीं हुआ है अभी प्रोग्राम और लोग बैठे हुए हैं। जब भी हमारे यहाँ गांव में मेला होता है ना, सबसे पहले विशिष्ट जो अतिथि लोगों को बुलाया जाता है वो लोग उद्घाटन करते हैं दिया या चला के। उसके बाद होगा वंदना,
तो आज भी बुला रखा है नंदा बिष्ट को। जा रहा है प्रोग्राम का उद्घाटन हुआ और आरती ग्रुप थाली जिन्होंने भी यहाँ पर रखा हुआ है इनका भी तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। जोरदार से तालियां। तो अब होने वाला है तिसालों का डांस, तो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। संचालक भैया पुष्कर भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपके जो लाइन होते हैं हमेशा दिल को छूते हैं। और इंद्र भैया, भजन भाई, आप लोगों का सहयोग हमेशा रहता है। छोटा भाई, आप जैसे आज तक के कार्य आ गए अभी प्रोग्राम देख के फील्ड से घर, क्योंकि सातवीं सो गया था, पर सातवीं की नींद फिर खुल गई है तो अभी सोते हैं हम लोग भी। तो प्रोग्राम बहुत अच्छे हो रहे थे और ठंडा भी बहुत हो रहा था, लेकिन फिर भी लोग बैठे हुए थे। ये था हमारे घाटीपुर का मेला जो आज से शुरू हो गया है। अब कल होगा वॉलीबॉल का भी उद्घाटन और मतलब ये मेला 18 तारीख तक चलेगा। इस मेले को मतलब बहुत साल हो गए, जब हम छोटे थे ना हम लोग भी इस मंच में बहुत डांस करते थे। हाई स्कूल में पढ़ने तक तो हम लोगों ने डांस किया है, उसके बाद डांस नहीं किया क्योंकि उसके बाद हम बाहर चले गए थे पढ़ने के लिए। फिर मतलब पहले साड़ी पहन के, फिर उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो फिर चिंगे जो पहन के मतलब करते रहे। फिर यही क्रम अभी भी चल रहा है। अभी जो छोटे बच्चे अभी वो लोग साड़ी जुगो ये चीज़ें पहन के डांस कर रहे हैं, फिर जैसे बड़े हो जाएंगे फिर वो लोग भी चिंगे जो पहन के डांस करेंगे। और ये वाला त्यौहार होता है हमारे मकर संक्रांति के दिन, जिस दिन क्या कहते हैं मकर संक्रांति का त्यौहार मतलब उत्तराखंड में होता है, कहते हैं इसको कुत्या त्यौहार। और ये त्यौहार मतलब हमारे यहाँ मेन होता है, इसके बाद हमारे यहाँ शादी ब्याह का सीजन शुरू हो जाएगा। तो ये देखो साथी उठ गया है और साथी मम्मी मम्मी कर रहा है और मेरे ख्याल से प्रोग्राम भी खत्म हो गया। प्रोग्राम भी खत्म हो गया तो सब लोग आएंगे और मेरा नाक पूरी तरह से बंद हो गया, मतलब बहुत ठंडा हो गया है। साथी वहीं सो गया था गोद में तो मैं प्रोग्राम खत्म होने तक देख भी नहीं पाई थी। हम दोनों पहले आ गए थे, हम दोनों को चाबी नहीं मिला था तो हम बाहर खड़े थे, तब तक सात्विक की नींद भी खुल गई। अब तो इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग खत्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग देखना अच्छा लगे तो मेरे चैनल साथी बनेंगे आप ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में जरूर जरूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय।